हेलो। हाँ जी हाँ जी सर, श्री कृष्ण शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, ये इतनी फीस ले रहे हैं प्राइवेट स्कूलों वाले, तो जो आम आदमी, जो बेरोजगार आदमी है, हाँ जी वो कहाँ से पढ़ाएगा अपने बच्चों को? ये हाँ जी गरीब आदमी तो कहाँ अपने बच्चों को, फिर तो पढ़ा ही नहीं पाएगा कहीं भी। हाँ जी और सरकारी स्कूल जो है, ये मानते हैं कि सरकारी स्कूलों में बिल्कुल एजुकेशन के तरफ ध्यान नहीं है, टीचरों का, चाहे वो लेडीज स्टाफ है चाहे जेंट्स स्टाफ है, हाँ जी कोई ध्यान नहीं है। ध्यान तो है इन प्राइवेट स्कूलों का, हाँ लेकिन जी प्राइवेट स्कूलों के अंदर बहुत ज्यादा फीस है सर। इसके ये भाई साहब बैठे हैं जो हम आपका इनका, सवाल उनसे अभी पूछते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका नाम क्या है? जी मैं जसप्रीत चहल बात कर रही हूँ, हाँ जी और मैं एसोसिएट प्रोफेसर इन एजुकेशन हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योगा एजुकेशन, एंड पिछले 26 साल से वहाँ पढ़ा रही हूँ मैं। हाँ जी तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो समस्या है, इसका समाधान हमारी सरकार के हाथ में ज्यादा है, हाँ जी क्योंकि जब राइट टू एजुकेशन इसलिए हमें लाना पड़ा क्योंकि 7 साल से हमने शिक्षा में सरकारी स्कूल चला ही नहीं। हाँ जी यदि हमें शिक्षा मूलभूत रूप में, अधिकार के रूप में देना था, तो उत्तरदायित्व में मुझे लगता है कि सरकार ही शोषण करवा रही है सभी का, क्योंकि यदि हमारे अच्छे स्कूल होते तो कोई वजह नहीं थी कि हमें आज प्राइवेट स्कूल की तरफ मुंह ताकना पड़ता। हाँ जी तो ये इवन हाँ जी टू आपका जो नुकता है वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। इसके आगे कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बिना कुछ? धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू। एक बार कुलभूषण जी, कुलभूषण जी जो पहला नुकता है। चांद कोटिया जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि हाँ जब जी सेंटर का एक रूल आ जाता है, दोनों के स्पिरिट एक ही है हाँ जी कि 25-25 बच्चों को फ्री पढ़ाना, हाँ जी तो स्टेट का रूल अपने आप रिडंडेंट हो जाना चाहिए। हाँ जी वो भी 25% की बात कहता है, प्राइवेट स्कूल उस 25% से नहीं भाग रहे। हाँ जी हम जो गवर्नमेंट का फार्मूला है कि सरकार पे पढ़ने वाला बच्चा जो है, प्रति व्यक्ति बच्चा जो बच्चे पे जो खर्च आता है, वो अब जो प्राइवेट स्कूल्स लेते हैं, विच एवर इज लेस पे किया जाएगा, हमारा इस फार्मूले पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम सिर्फ कह रहे हैं कि मोड ऑफ पेमेंट ठीक कर दो, आरटीई का तो स्वागत कर रहे हैं। मोड ऑफ पेमेंट लिखी हुई है एक्ट में, 6 महीने के अंतराल पे आप एडमिशन दीजिए, अप्रैल में, सितंबर में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे होगी एज पर कैलकुलेशन, हाँ जी और मार्च में अगली इंस्टॉलमेंट पे होगी। हाँ जी, सब कुछ आपको इसके लिखा ऊपर हुआ। क्या एतराज है? हमारा ये है कि बच्चे के, उसके पेरेंट्स के अकाउंट्स पे डायरेक्ट पैसा डाल दिया जाए, हाँ जी वो स्कूल को आके पे करे, क्योंकि अभी एडिट स्कूलों की जो हालत दिखी है, मतलब आप तो चाहते हैं कि सरकार उनको एडवांस में पे करे, डायरेक्ट उनको पे करे, नहीं डायरेक्ट नहीं, आप एडवांस भी करें, एडवांस उनको पे करे, वो स्कूल में आके फीस दे के पढ़े, ताकि अभी एडिट स्कूलों की जो हालत हुई है उनकी एड्स ना पहुंचने की वजह से वो अपनी एड वापस लेने पर विचार कर रहे हैं। गवर्नमेंट में भी जो अंडर कंसीडरेशन है मामला कि हमारी एड वापस कर दी जाए, खत्म कर दी जाए एडिट स्कूलों का भी। ये तो हाँ फिर जी, बात जो जो इसके आगे जो बातचीत है जो जारी रखेंगे। 134 अभी एक वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम ये चर्चा जारी रहेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम मुक्त शिक्षा को लेकर हरियाणा के निजी स्कूलों और राज्य सरकार के बीच चल रही टकराव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हाँ जी सुभाष जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो सार्वजनिक ढांचा है शिक्षा का, जो गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन है, उसको मजबूत करने की जरूरत है, उसमें गुणवत्ता की जरूरत है, उसमें अध्यापकों के ठीक नेतृत्व की जरूरत है, रिक्रूटमेंट की जरूरत है, और सबसे ज्यादा जो उसमें जो ट्रेनिंग पक्ष है हमारा, और खास तौर पे जिस तरह से बीएड कॉलेज की जो मशरूमिंग हुई है और पूरी तरह से नॉन अटेंडिंग जो हमारे एक तरह से अनट्रेन्ड टीचर, डिग्रीधारी टीचर बन रहे हैं, उस सबको देखने की जरूरत है। ये जो टीचर है ये कल को आकर के हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन इसके साथ ही जो प्राइवेट स्कूल की जो रेगुलेशन है, चाहे वो सैलरी के मामले में हो, चाहे वो फीस के मामले में हो, या अन्य सेवा शर्तों के मामले में हो, उसको भी गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेना होगा, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ एक ऐसा व्यापार नहीं है, वो हमारी भावी पीढ़ियों के साथ उसको काम कर रहे हैं। तो सरकार का ये दायित्व तो बनता है कि आज की दुनिया में खास तौर पे जब ये नॉलेज वर्ल्ड है और उसके अंदर जो नॉलेज देने वाले इंस्टीट्यूशन है, यदि उनके अंदर बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं दी जाती, जो सिलेबस के मैटर है, जो टीचिंग टेक्निक्स हैं, जो हमारे जो उसमें जो रिसोर्स मैन काम करते हैं, उसके अंदर जो टीचर काम करते हैं, उनकी क्या हालत है, ये सब रेगुलेशन की एक जरूरत है। एक ऐसा सोशल कंट्रोल बने इन प्राइवेट स्कूलों के ऊपर, ताकि ये सारी अनियमितताएं वो दूर हों, और ये सवाल तभी खत्म होंगे जब ये प्राइवेट स्कूलों और जनता के बीच में एक जुड़ाव बनेगा। और उसके साथ अब जो पहले भी प्राइवेट स्कूल थे
जिसमें कितने सनातन धर्म के स्कूल, आर्य समाज के स्कूल, कितने ही संस्थाओं के, वो सारी जो समाज सुधार के साथ जुड़ी हुई संस्थाओं के स्कूल थे, और उन्होंने पूरी तरह से एक एजुकेशन के अंदर जब सरकार भी नहीं आई थी अपना रोल निभाया। हर गांव के अंदर, हरियाणा के अंदर जितने स्कूल हैं, लोगों ने अपने श्रमदान करके, अपनी जमीनें दे करके बनाया। सरकार ने तो सिर्फ वहां टीचर भेजे थे, तो ये जो, लेकिन ये जो प्राइवेट स्कूल हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनके अंदर उस तरह की सामाजिक भावना या कोई वो जज्बा नहीं है, समाज सुधार के लिए नहीं आए, बल्कि अपने व्यापार के लिए आए हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि सरकार का जो ढांचा था शिक्षा का, वो पूरी तरह से हमें डिलीवर करने में नाकाम जा रहा है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो गुणवत्ता का जो सवाल है, खासतौर पर एक ऐसे कमीशन की जरूरत है जैसे कि इलेक्शन कमीशन है, जो सरकार से इंडिपेंडेंट रहते हुए इस पूरे एजुकेशन के मैटर को, क्योंकि अब 20 तरह की शिक्षा है, प्राइवेट स्कूल हैं, सर्वोदय स्कूल हैं, नवोदय स्कूल हैं, ये स्कूल हैं, वो स्कूल हैं, 20 तरह के स्कूल हैं, तो उन सारे स्कूलों को जो रेगुलेट कर सके कोई ऐसी बॉडी, उसकी जरूरत है। मतलब कहीं ना कहीं जो गुणवत्ता है वो एक जैसी हो सके, इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका नाम क्या है? मैं कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, ओम गोपाल शर्मा। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है जी, सरकार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, हाँ जी, गवर्नमेंट स्कूलों में एक एक बच्चे पर 2,000-2,000 रुपए खर्चती है लगभग। हाँ जी, तो सरकार जब इतना पैसा खर्च ही रही है तो वो क्यों नहीं प्राइवेट स्कूलों को भी पैसा अवेलेबल करवाती है? हाँ जी, और जहां तक ये प्रोफेसर साहब बात कर रहे हैं, ये सारी बात दार्शनिकता की कर रहे हैं। हाँ जी, ये जो डीएवी स्कूल या सनातन धर्म स्कूलों की बात कर रहे हैं, ये कुलभूषण जी ने पहले ही कह दिया है। हाँ जी, कि ये प्राइवेट स्कूल एक स्वरोजगार योजना के तहत चलाए जा रहे हैं। हाँ जी, लोगों ने अपनी जमीनों पर स्कूल खड़े किए हैं, अपने पैसे से खड़े किए हैं, तो वो कैसे इस तरीके से फ्री एजुकेशन दे सकते हैं? हाँ जी, पंकज जी, देखिए घूम फिर के बात पैसे पे ही आ रही है। जैसे अभी कॉलर ने पूछा, पैसा तो सरकार देगी, एक्ट में प्रोवाइडेड है कि आप 25% बच्चे एडमिट करिए, उनका जो खर्चा सरकार का हो रहा है, जैसे इन्होंने बताया 2,000 पर बच्चा खर्च हो रहा है, वो स्कूल को रीइंबर्स होगा, एक्ट में लिखा हुआ है रीइंबर्स। अब विरोध कहाँ है? ये एडवांस में मांग रहे हैं, एडवांस में कैसे दे दे? रीइंबर्स वर्ड जब लिखा हुआ है उसका मतलब है आप पहले खर्चा व्यय करें, फिर आपको वापस करा जाएगा। तो ये तो सामाजिक दायित्व है, इसमें करने में क्या दिक्कत है? ये आरटीई को मानने को तैयार है, 25% स्टूडेंट एडमिट करने को तैयार है, लेकिन पैसा पहले दीजिए, फिर तो आरटीई एक्ट का आया कि वो तो पहले भी कर ही रहे थे। जब सरकार इनसे, जब सरकार, हाँ जी, जो बात चली है कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है या सरकार खुद प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने में गवर्नमेंट पे सरकार का रोल है। सरकार अपने सारे एम्प्लॉइज के बच्चों को क्यों नहीं कहती आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, उनको 1,000-1,500 रुपए रीइंबर्स करती है कि आप जाइए प्राइवेट स्कूल से पढ़िए। यानी कि सरकार को पता है कि हमारे सरकारों गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन अच्छी नहीं, इसलिए अपने एम्प्लॉइज को, इवन टीचर्स को भी, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने की रीइंबर्समेंट दे रही है 1,000-1,500 रुपए पर मंथ। तो गवर्नमेंट कौन से डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज के बच्चों, सभी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को भी, जब सरकार के स्कूल इतने अच्छे हैं तो सरकार को वहां भेजना चाहिए। अगर उनको वहां भेजेगी तो शायद उनका भी ढांचा सुधर जाए, हमें सरकारी स्कूलों से एतराज नहीं, सरकार खुद तो प्राइवेट में पढ़ने के लिए पैसा दे रही है। पंकज जी, यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल हैं और जो सरकार है उसके बीच में एक नेक्सस दिखाई देता है। नेक्सस की बात नहीं है जी, ये एक्ट इसीलिए आई है क्योंकि सरकारी स्कूल अपना दायित्व नहीं निभा पाए, ये मानती है तभी तो ये एक्ट आई है, इसीलिए प्राइवेट स्कूल पे दायित्व डाला गया है, लोग भी प्राइवेट स्कूल की तरफ जाना चाहते हैं, इसीलिए ये प्राइवेट स्कूल पे दायित्व डाला गया कि 25% आप भी गरीब तबके के बच्चे पढ़वाइए और एजुकेशन अच्छी हो, पूरी हो। और साथ ही गवर्नमेंट पे भी ये भार है कि वे स्कूल क्रिएट करे जितने रिक्वायर्ड है। जो एक नुक्ता अहम बनता है कि जो सरकारी मुलाजिम हैं, उनके बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जैसा कि कुलभूषण जी बता रहे हैं, उनको तो वो सरकार एज इट इज वो रिफंड रीइंबर्स करती है, लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जब शिक्षा के अधिकार के तहत आप जाएंगे तो सिर्फ उतने पैसे देंगे जितने। हाँ, ये जरूर भ्रमित चीज है, इसको सरकार को रोकना चाहिए क्योंकि ये डुअल पॉलिसी हो जाती है। आप एंकरेज प्राइवेट स्कूल को उनकी प्राइवेट फीस देने में कर रहे हैं तो फिर तो विरोध हो जाएगा इस एक्ट का। ये सरकार को वापस लेना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए उनको प्राइवेट बंदे को रीइंबर्स करें। हाँ जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका क्या नाम है? और बोल रहा हूँ अंबाला से। हाँ जी सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ सबसे। हाँ जी, भी कौन सा ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है, चाहे वो एक टीचर है, चाहे वो बिजली बोर्ड का अधिकारी है, चाहे टेलीफोन बोर्ड का अधिकारी है, कोई भी ऐसा आदमी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाता। और जो भी आरटीई में नेबरहुड स्कूल मैंने स्टडी किए हैं, वो सभी गवर्नमेंट स्कूल ही नेबरहुड स्कूल फाइनल किए हैं गवर्नमेंट ने। हाँ जी, तो प्राइवेट स्कूलों को पढ़ाना
सारी कंट्रीज में 25% जैसे आप कह रहे हैं, सभी कंट्रीज में स्टूडेंट पेंशन है, आपको पता होगा शायद, बड़ी कंट्री। तो क्यों नहीं गवर्नमेंट सीधा बच्चा जब पैदा होता है उसके उसकी डेट ऑफ बर्थ दे, उनके अकाउंट खोले, उन अकाउंट में सीधा पैसा डाले, वो चाहे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े चाहे प्राइवेट में पढ़े, उनके आत्मसम्मान को ठेस तो नहीं ना पहुंचेगी भी मैं फ्री पढ़ जाता हूँ। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जी, जो विकसित देश हैं खासतौर पे जैसे इंग्लैंड जैसे देश हैं, वहां पर लोग प्रेफर करते हैं कि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाएं। सिर्फ विकसित देशों की बात नहीं, आप चंडीगढ़ की बात ले लीजिए कि जो भी हमारे जहां पे भी सरकार इस बात पे ध्यान देती है कि हमारे अपने स्कूल यहां पर क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है, दिया जाता है, और इसीलिए ये चंडीगढ़ एक मॉडल है। जो यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो प्राइवेट स्कूल के साथ उतनी ज्यादा कम्पीट करते हैं, तो ये इस बात को पहचानने की जरूरत है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि प्राइवेट को रिम्बर्स करके फीस करके सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, अपोलो एस्कॉर्ट्स जो एक रुपया लीज देते हैं पूरे उसकी, और उसमें लिखा है कि 25% गरीब मरीजों का इलाज करेंगे, लेकिन वास्तव में क्या होता है, तो ये प्राइवेट स्कूल को आप फीस दे भी देंगे तो ये गरीब बच्चों को क्या एजुकेशन मिलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो सरकार अपना जो सिस्टम है उसको मजबूत करे, सरकारी जो सिस्टम है उसको मजबूत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी बिल्कुल, आप दो सेंट्रलाइज के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में डाल दिए जाए, गवर्नमेंट कंपल्शन करे, एक तो करोड़ों रुपए का बजट, अरबों रुपए का बजट बचेगा जो प्राइवेट स्कूलों को पे कर रहे हैं, जब उनके बच्चे वहां जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन भी अच्छी हो जाएगी, और जो अरबों रुपए का बजट बचेगा उसमें वो प्राइवेट स्कूल जो अच्छे अच्छे हैं जिनके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उनकी उनको जो है चिन्हित करें, वहां पर उन गरीब बच्चों को पैसे देके पढ़वाए। हाँ जी, उससे देश में एक अच्छा वो सिस्टम शुरू हो जाएगा। हाँ जी, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निजी स्कूलों और हरियाणा सरकार के बीच ये तकरार खत्म होती नहीं दिख रही, इसका खमियाजा सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि दूसरे बच्चों को भी शिक्षा की कीमत देकर चुकाना पड़ रहा है। सरकार और स्कूलों की चाहिए कि वो जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाएं। इसी के साथ ही हम आज का प्राइम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।